राजभर जी, दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और आप लखनऊ बैठे हुए, क्या बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। ओपी राजभर का ये हाल सुनिए। हार के बाद अपनों ने साथ छोड़ा तो बेहाल नजर आ रहे राजभर की ये मजबूरी सुनिए। एक ओर जहां दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के सियासी दलों ने मंथन किया और सरकार बनाने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की बैठक से दूर रहे ओपी राजभर काफी चर्चा में हैं कि आखिर एनडीए के घटक दल होने के बावजूद वो एनडीए की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। इसका जवाब आप खुद सुभाषपा सुप्रीमो और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से ही सुन लीजिए। राजभर जी, दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और आप लखनऊ बैठे हुए, क्या बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। अच्छा, तो आप तो एनडीए के घटक दल हैं? बिल्कुल हैं। बाकी सब सारे पार्टीज पहुंची हुई हैं वहाँ पर, अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी गई हैं, संजय जी तो अभी यहीं हैं, संजय निषाद, आप दो लोग नहीं गए? सूचना नहीं हम लोगों को। क्या वजह लगती सूचना ना होने, क्या सीटें हार गई? अब उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। तो सुना आपने कैसे एनडीए ने ही राजभर को बुलावा नहीं भेजा था। ऐसे में राजभर को बैठक में ना बुलाने की वजह क्या है? माना जा रहा है कि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी से हार गए हैं। तो भाजपा के लिए ये इकलौता मौका था जहां उसे अपने को साबित करने का मौका मिला था, लेकिन घोसी के महापरीक्षा में सुभाषपा फेल हो गई, जिसके बाद बीजेपी सुभाषपा से काफी नाराज है। कुछ यही हाल निषाद पार्टी का भी रहा। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद भी अपने बेटे को जिताने में असफल रहे। फिर गड़बड़ी क्या हुई, कहां पर चूक हुई? देखिए, छठवें और सातवें चरण में जो स्थिति हुई, पैदा हुई, विपक्ष के लोग संविधान को खतरे में बताकर जनता को वो समझाने में सफल रहे, हम लोग उनका जवाब देने में असफल रहे, जिससे बसपा का वोट बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सपा की तरफ हुआ है, उसी का खामियाजा। हालांकि राजभर ने तो ये भी बता दिया इनकी पार्टी से कहां चूक हुई, लेकिन यहां भी अपनी गलती छुपा गए। अब राजभर भले ही कुछ भी कहें, लेकिन योगी सरकार के ही मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने तो ओपी राजभर और संजय निषाद को सीधे सीधे घेर लिया और कहा कि एक तो राजभर और निषाद अपने बेटों को नहीं जुटा पाए और तो और अपने बड़बोलेपन से बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया। मेरा अपना मानना है कि पद की गरिमा के अनुसार हमें बयान देना चाहिए और उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि उनके स्वयं दोनों के, संजय निषाद जी और उनके ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हार, चुनाव हारे, तो उनके लिए एक अलग दल भी चला रहे हैं, हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं, उनको और विशेष हमसे ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है, हम लोग तो आत्मचिंतन कर ही रहे हैं। सुना आपने कैसे बीजेपी अब अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सहयोगी दलों का सिर ढूंढने में लगी है। अब यूपी में बीजेपी को लगे बड़े झटके का असली जिम्मेदार कौन है, बीजेपी के सहयोगी दल या खुद बीजेपी की चुनावी रणनीतियां, ये तो मंथन का विषय है। लेकिन बीजेपी के तेवर देखकर तो लगा है कि बीजेपी अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर मरना चाहती है। तभी तो सुभाषपा और निषाद पार्टी की हार के बाद बीजेपी दोनों पार्टियों से किनारा करती नजर आ रही है। पहले बीजेपी नेताओं के ये बयान और अब एनडीए की बैठक में राजभर और संजय निषाद को नहीं बुलाना, मानो बीजेपी कह रही हो अब तो हार गए, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम। आपको क्या लगता है, क्या राजभर का बड़बोलापन उन्हें ले डूबा और क्या हार के बाद अपनों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालने का बीजेपी का ये रवैया ठीक है या नहीं, हमें जरूर बताइए। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।